श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों कैसे हो दोस्तों। मंगलवार को जो व्रत किया जाता है वह हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन को भी भगवान हनुमान का ही दिन कहा गया है। इस दिन किया गया व्रत दान हजारों गुना फल प्रदान करता है। दोस्तों वैदिक ग्रंथों में मंगलवार का दिन सबसे शुभ और कल्याणकारी दिन माना गया है। इस दिन महाराज हनुमान और भक्तों की सुध लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सफलता हाथ लगते लगते चूक जाती है, या फिर आपके घर वाले आप पर बहुत ज़्यादा कष्ट देते हैं आपको, या फिर आप किसी और विफल परीक्षा से जूझ रहे हैं, यानी कि आप कोई कार्य करने लग रहे हैं लेकिन वह कार्य आपका संपूर्ण तरीके से पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों आप लोग मंगलवार के दिन यह छोटा सा कार्य कर दीजिए। आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा और बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा। दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा मात्र कार्य है। वीडियो बहुत ही छोटे बनने वाली है इसीलिए, क्योंकि मैं आप लोगों को जल्दी से ही बताने वाला हूँ यह कार्य, क्यों ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता मैं, आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। दोस्तों आप लोगों को मंगलवार के दिन एक लौंग चाहिए या फिर एक काली मिर्च, उसके अनुसार आप कैसे भी ले सकते हो। अगर आपके घर में एक लौंग है तो एक लौंग ले लीजिए या एक काली मिर्च ले लीजिए, और 24 तुलसी के पत्ते, दोस्तों 24 तुलसी के पत्ते ले लीजिए मंगलवार के दिन, और अपने शाम के या सुबह के या दोपहर के जब भी आप खाना पकाए तो उस खाने के आटे में आप लोगों को एक लौंग या फिर एक मिर्ची, काली मिर्ची, और उन तुलसी के पत्तों को गिरा दीजिए। दोस्तों सब घर वाले आपकी बात मानने लगेंगे, आपके इशारों पे नाचेंगे, और आप पे जो व्यक्ति पहले हुक्म चलाता था वह उस व्यक्ति के ऊपर आज से आप हुक्म चलाने लगोगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दो।